हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका SES क्लासेस में। चलिए उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2024 के लिए प्रश्नों की श्रृंखला शुरू कर दी गई है, जो हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं। आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2018 का जो पेपर हुआ था द्वितीय पाली में, उसके प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो प्रश्न आपको आगामी होने वाली उत्तर प्रदेश री एग्ज़ाम परीक्षा 2024 में महत्वपूर्ण साबित होंगे। आपको अपनी पेपर में किस तरह से क्वेश्चन आए थे और क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, उस सब का पैटर्न इससे पता चल जाएगा। चलिए देर न करते हुए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। सामान्य ज्ञान प्रश्नों की पहला प्रश्न देखिए। उत्तर प्रदेश के आधिकारिक ध्वज में दो रंग होते हैं, लाल और लाल के अलावा और कौन सा रंग होता है, तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक हो जाएगा नीला। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर दूसरे पे चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर दूसरे पे चलते हैं। अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है? तो किस भाषा में है, तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ब्रज भाषा में है। ये देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 27 जनवरी को हुई थी 2019 के शिफ्ट सेकेंड में, तो उसके प्रश्न है सभी, तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर तीन। देखिए प्रश्न नंबर तीन में क्या पूछ रहा है, वर्ष 2015 में स्वामी राम भद्राचार्य को सम्मानित किया गया था, किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो उस समय का ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, तो ठीक आंसर क्या हो जाएगा? पद्म विभूषण। राम भद्राचार्य जी बहुत फेमस आदि गुरु जी हैं, शंकराचार्य गुरु जी हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर चार पर। प्रश्न नंबर चार देखिए क्या पूछ रहा है, प्रश्न नंबर चार में देखिए, प्रश्न चार पूछ रहा है जीएसटी में निम्नलिखित में से किस कर राज्य कर को शामिल किया गया, तो जीएसटी में किसको शामिल किया गया, तो ठीक आंसर क्या हो जाएगा? चुंगी कर को, ये वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर पाँच देखिए। प्रश्न नंबर पाँच में विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर छः देखिए। नियान लैंपों का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो नियान लैंपो का आविष्कार किया गया था, ये ठीक आंसर क्या हो जाएगा? जारडोस क्लाउड के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर सात। प्रश्न नंबर सात देखिए। एक ऐसी छवि है जो प्रायः फोरम और सामाजिक नेटवर्क में ऑनलाइन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है, तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ये अवतार, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर आठ। देखिए एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है इसमें, आप तो वीडियो पॉज करके एक्सप्लेनेशन भी पढ़ सकते हैं, हम केवल प्रश्न और उनके प्रश्नों के उत्तर आपको करा रहे हैं, बाकी एक्सप्लेनेशन अगर आपको देखना है तो वीडियो को पॉज करके आप एक्सप्लेनेशन भी अपना देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित देशों में से किसके निकटतम है, तो किसके निकटतम है, ये बी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा, मलेशिया। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर नौ। व्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है, तो व्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है, ये अर्जेंटीना की राजधानी हो जाएगी, सी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 10। राष्ट्रीय देखिए रिक्त स्थान दिया, राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, तो ठीक आंसर क्या हो जाएगा? काजीरंगा। काजीरंगा कहाँ है, ये असम में है। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ये उत्तराखंड में है, रणथंबोर और बांदीपुर। बाकी चलिए इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में देखिए क्या पूछा है, इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है, तो इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी हो जाएगी, 11 का ऑप्शन नंबर क्या ठीक हो जाएगा, ए वाला मणिपुर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 12। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे दूर है, सबसे दूर कौन सा हो जाएगा? देखिए गांधीनगर, अगरतला, रांची, भुवनेश्वर, या हमारा गांधीनगर, अगरतला, रांची या भुवनेश्वर, तो 12 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ये भुवनेश्वर। भुवनेश्वर कहाँ है, ये उड़ीसा में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 13 देखिए। हार्नबिल उत्सव कहाँ मनाया जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है, तो हार्नबिल उत्सव जो है वो नागालैंड में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 14। निर्माण के पश्चात आज़ाद हिंद फौज अंग्रेजी भारतीय सेना के विरुद्ध क्षेत्र में कार्रवाई कर रही थी, तो कहाँ कर रही थी, तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, इम्फाल और कोहिमा में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 में देखिए क्या पूछा है, महाराष्ट्र का पोला त्यौहार, जो पोला त्यौहार है, किस जानवर की पूजा की जाती है, तो 15 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा, ये वृषभ की पूजा की जाती है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं,
प्रश्न नंबर 16, भारत का संविधान भारत के न्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार देता है। किसकी नियुक्ति का अधिकार देता है? न्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार देता है। कौन देता है? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। यानी महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 देखिए, ये देखिए, रिक्त स्थान की राइटेक कंपनी ने सन 1990 के दशक में बासमती चावल का एक कस्ब अधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया था, तो ये कहाँ की थी? तो ये थी सी वाला ऑप्शन, ठीक हो जाएगा हमारा, संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 18, भारत का मूल संविधान द्वारा हाथ से लिखा गया था। किसके द्वारा हाथ से लिखा गया था? तो इसके विकल्प देखिए, रफ़ी अहमद किदवई, इसके अलावा कैलाश नाथ काटजू होंगे, प्रेम बिहारी नारायण राय दादा या कन्हैया मणिकलाल मुंशी। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इन्होंने हाथ से भारतीय संविधान को लिखा था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 19, जब महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया था तब वे दक्षिण अफ्रीका में कहाँ जा रहे थे? 19 का ऑप्शन नंबर क्या ठीक हो जाएगा? ये प्रिटोरिया जा रहे थे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 20 देखिए, निम्नलिखित में से कौन से नृत्य का कौन सा प्रकार असम से संबंधित है? असम से संबंधित कौन सा है? तो बिहू, ये बिहू जो है असम से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 21, कौन सी योजना के अंतर्गत खोले गए सभी बैंक खातों में 5,000 रुपये ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई थी? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला ठीक हो जाएगा, प्रधानमंत्री जनधन योजना। ये विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन की योजना थी। इसकी शुरुआत जो थी 2014 में की गई थी, जनधन योजना की, जिसके तहत प्रत्येक व्यक्ति के खाता जो बैंक में खाता खोलने के लिए अनिवार्य कर दिया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 22, मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी जो वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो ये किस नाम से? बिहार में, ठीक, बिहार के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 23 प्रश्न नंबर पर देखिए, भारत निम्न में से किस संगठन का सदस्य नहीं है? तो किसका सदस्य नहीं है? देखिए, दक्षिण पूर्व एशियाई संगठन राष्ट्रकुल, G20 या दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। तो किसका नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या ठीक हो जाएगा? दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। चलिए अगले, ये ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 24 देखिए, किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने दक्षिण कोरिया को 2018 में संपन्न हुए कैरम, तो इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, ये उस समय का करंट क्वेश्चन है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 25, विश्व बैंक के उद्योग सहजता सूचकांक 2018 की प्रतिष्ठा सूची में भारत का कौन सा स्थान है? तो उस हिसाब से तो इसका आंसर था डी वाला, 100वां स्थान, लेकिन अब का करंट अफेयर देखना है, ठीक है, अब 2024 का करंट अफेयर देखना है आपको। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 26 में पूछ रहा है, ईस्ट अफ्रीकन कैंपेन में भारतीय सैनिकों के बलिदान के सम्मान में एनडीए के प्रशासनिक मुख्यालय को विकल्प ये देखिए डैश ब्लॉक नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था? 26 का ऑप्शन नंबर क्या ठीक हो जाएगा? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? सूडान, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 27, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 51 गेंदों में 103 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो कौन थी? 27 का ऑप्शन नंबर क्या ठीक हो जाएगा? बी वाला, हरमनप्रीत कौर थी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 28 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बीमारु को हटाने में सक्षम है? तो ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ये तिल्ली, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 29 पे देखिए, मिश्र धातु गुलाब सोने में सोने के अलावा अन्य कौन सी धातु शामिल होती है? तो 29 का ऑप्शन नंबर ठीक हो जाएगा, डी वाला, तांबा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 30 देखिए, मोनोमर क्रोपोलैक्टम का किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है? तो 30 का ऑप्शन नंबर क्या ठीक हो जाएगा? नायलॉन 6। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 31, शक्ति की भौतिक मात्रा की बीमा, शक्ति की बीमा पूछी है, तो ठीक आंसर क्या हो जाएगा? M1L2T-2, बी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 32 में देखिए, CaSO4 × 2H2O का रासायनिक सूत्र किसका रासायनिक सूत्र है? तो 32 का ऑप्शन नंबर ठीक हो जाएगा, जिप्सम का, ठीक है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 33, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है, इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला ठीक हो जाएगा, गोरखपुर में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 34, उत्तर प्रदेश के पुलिस चिन्ह में कौन से जानवर का चित्र है? कौन से जानवर का चित्र है? तो मछली का चिन्ह,
चित्र है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 34 पे, 34 के बाद 35 पे चलते हैं। 35 में देखिए क्या पूछा है, उत्तर प्रदेश लोकसभा में सीटों का योगदान करता है, कितनी योगदान करता है, तो 35 का ऑप्शन नंबर क्या ठीक हो जाएगा, तो ये वाला सी वाला ठीक हो जाएगा, 80 लोकसभा सीटें हैं जो कि भारत में सर्वाधिक हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर माघ मेला जो है किस दिन शुरू होता है, कहाँ किस दिन शुरू होता है, तो ये किस दिन शुरू होता है, तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा, मकर संक्रांति के दिन शुरू हो जाता है। माघ मेला लगता कहाँ है, तो ये इस समय जो हमारा प्रयागराज है वहाँ पर लगता है, प्रयागराज में, प्रयागराज। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 37, कवि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था, तो किस शहर में हुआ था, ठीक आंसर क्या हो जाएगा, वाराणसी के लहरतारा नामक स्थान पर इनको प्राप्त किया गया था, और यहीं पर नीरू और नीमा नामक दो जुलाहों ने इनका पालन पोषण किया था, तो ठीक आंसर क्या हो जाएगा, 80 वाला वाराणसी। देखिए अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 38, लखनऊ घराने की नींव द्वारा रखी गई, किसके द्वारा रखी गई थी नींव, तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा, इसका ठीक आंसर हो जाएगा हमारा बी वाला, बक्सु खान के द्वारा, ये बी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। चलिए इस तरह हमारी क्लास यहाँ पर समाप्त होती है, जय हिंद जय भारत।